जैसी नगर में बीती रात चोरों ने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़े मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर की दान पेटियों के ताले तोड़कर रुपए ले गए। वहीं समाज के लोगों ने चोरी की घटना के विरोध में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और चोरों को जल्द पकड़ने के संबंध में SDOP को ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर बताया गया कि इस मंदिर में दो बार पहले भी चोरियां हो चुकी हैं और चोरों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस की निष्क्रियता के चलते एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इस घटना के संबंध में SDOP रघु प्रसाद ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और FASL डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मंदिर में लगे CCTV कैमरे को भी चेक किया जा रहा है। हम लोग जब सुबह उठे, सुबह मालिक जो मंदिर का ताला खोला तो उसके द्वारा जानकारी मिली कि मंदिर के अंदर के ताले टूटे हुए हैं। अंदर के दोनों ताले टूटे हुए हैं। फिर उसके बाद देखा गया, सब लोग आए तो अंदर कोई नहीं गए। जब तक पुलिस का, उसके बाद हम लोग सभी पुलिस को इन्फॉर्म करने गए। वहाँ इन्फॉर्म करके आए तो वहाँ पर जानकारी देने के बाद मंदिर का कार्यक्रम चलता रहा और उसके बाद ही जब पुलिस आई स्क्वाड डॉग लेकर, उसके बाद अंदर गए, फिर जानकारी देखी तो मंदिर की वहाँ के अंदर ही तिजोरियाँ टूटी हुई पाई। हम लोगों के प्रतिष्ठान तो जब तक बंद रहेंगे जब तक हमारी समाज पूर्ण रूप से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक तो बंद है। वैसे आज दिन तो हमारा पूर्णतः बंद रहेगा। पुलिस की कार्रवाई चालू है तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है शाम तक ही जानकारी मिल पाएगी। सुबह जब हम मंदिर दर्शन करने आए तब हमको मालूम पड़ा यहाँ पे कोई ताले वगैरह टूटे हैं, चोरी होने की संभावना जी। तो हम सब लोग बैठ के उसका भी बैठे नहीं हैं, बैठ कर चर्चा करेंगे इस विषय में, इसके बाद बता पाएंगे। ये सुबह पता चला है कि जैन मंदिर में चोरी, अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया है, जो पीछे से ऊपर से छत से के रास्ते से नीचे आया है खिड़की का कांच तोड़कर, और दो दान पेटी में रखे नगद पैसे चोरी कर लिया गया। करीब 40,000 लगभग है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और कोई मंदिर के मूर्तियों और किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सिर्फ दान पेटी से छेड़खानी की गई है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच किया जा रहा है, पुलिस डाक भी आया हुआ है और इसमें मतलब कि FASL टीम भी है, सभी टीम काम कर रही हैं। इसमें हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि अज्ञात आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसे भी डायल हैंडलेट की व्यवस्था है तो डायल हैंडलेट को भ्रमण करती रहती है और डायल हैंडलेट लगाई जाती है और डायल हैंडलेट भ्रमण की जाए और पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। CCTV कैमरा लगा हुआ है, मंदिर कमेटी द्वारा लगाया गया है और इसको इसका जो है मॉनिटर कुछ मिस्टेक है तो इसके सिस्टम को लेकर सागर गए और वहाँ से फुटेज तैयार किया जाएगा, जैसे भी होता है इंजीनियर के पास लिया। नगर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीती रात चोरों ने एक जैन मंदिर को निशाना बनाया जहां पर दान पेटी का ताला तोड़कर रुपए ले गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन राम के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार, सागर TV न्यूज़।